अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मटन ज़ाफ़रानी पुलाव की रेसिपी। फुल इंग्रेडिएंट्स और मेथड के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ आपको पूरी रेसिपी मिल जाएगी। तो सबसे पहले यखनी बनाने के लिए आपको चाहिए आधा किलो बकरे का गोश्त, 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और आधा टीस्पून नमक। और मसाला बनाने के लिए आपको चाहिए 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 5 छोटी वाली हरी इलायची, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान, 2 से 3 हरी मिर्चें, उनको आप इस तरह से काट लेंगे, 1 मीडियम साइज की प्याज, उसको आप स्लाइस में काट लेंगे, 5 टेबल स्पून दही, 5 से 6 ड्राइड आलू बुखारा, 1 पैकेट पुलाव बिरयानी मसाला आपको आराम से मार्केट से मिल जाएगा, 1/4 कप मक्खन और 1/4 कप तेल। और इसके अलावा आपको चाहिए आधा चाय का चम्मच सफेद मिर्चें, व्हाइट पेपर, 1/4 चम्मच ऑरेंज फूड कलर, 2 से 3 टेबल स्पून दूध और 3 कप एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस। जितने अच्छे राइस होंगे उतना ही अच्छा पुलाव बनेगा। तो सबसे पहले आप दूध में जाफरान को डिजॉल्व करके एक साइड पे रख देंगे और इस मिक्सचर को हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। स्टेप नंबर 1, आप यखनी तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए आप एक पॉट लेंगे और उसमें 4 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल कर लेने के बाद आपने इसमें मटन ऐड कर देना है। तमाम गोश्त शामिल करने के बाद आपने इसमें ऐड करना है धनिया पाउडर, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तमाम चीजें शामिल कर लेने के बाद आप एक बॉयल आने का वेट करेंगे और उसके बाद आप इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे कवर करके कुक करेंगे। 80% तक आपने गोश्त को गला लेना है। यखनी बिल्कुल तैयार है 45 मिनट्स के बाद और गोश्त भी 80% तक गल चुका है। और अब आप गोश्त को और यखनी को अलग कर लेंगे। गोश्त को यहाँ पे हम पूरा इसलिए नहीं गलाएंगे क्योंकि आगे हमने इसकी भुनाई भी करनी है और गोश्त चावलों के साथ भी पकेगा, तो ये वहां पर कंप्लीटली कुक हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, अब हम पुलाव के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक सेपरेट पॉट में आप तेल ऐड कर देंगे, साथ में ही आप मक्खन भी शामिल कर देंगे और इसके बाद स्लाइस की हुई प्याज को आपने फ्राई करना है। आपने प्याज को सिर्फ इतना फ्राई करना है कि ये हल्की ब्राउन कलर में आ जाए, प्याज को जलाना नहीं है, याद रखिए, अदरवाइज आपका पुलाव बहुत डार्क कलर का बनेगा और वो कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये आप देख सकते हैं, कुछ प्याज अभी भी हल्की पिंकिश है और कुछ जो है वो ब्राउन हो चुकी है। तो इस तरह की प्याज आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद आप इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। साथ ही बीच में जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी इलायची, और साथ ही बीच में जाएगा पुलाव बिरयानी मसाला,
पूरा एक पैकेट। और याद रहे कि इसमें ऑलरेडी नमक मौजूद होता है, तो आप मजीद इसमें ऐड नहीं करेंगे। अगर करना भी होगा तो उसको हम आखिर में एडजस्ट करेंगे। अब आपने गोश्त को अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भूनना है। अब इसमें जाएगा दही, और दही शामिल करके आपने इसको इतना पकाना है 3 से 4 मिनट के दही का पूरा पानी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सरफेस पे आ जाए। ये देखें, ऑयल सरफेस पे आ चुका है और गोश्त भी अच्छे से उसकी भुनाई हो चुकी है। अब वक्त है कि आप इसमें यखनी शामिल कर देंगे और आप उसको कप से मेजर करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि यखनी कितने कप है। और यहीं पर ही आप आंच को अब तेज कर देंगे, 2 कप, 3 कप और ये 4 कप। तो 4 कप यखनी है, और अगर मजीद पानी की जरूरत होगी तो वो हम आगे एडजस्ट कर लेंगे। इसको कवर करें और एक उबाल आने का वेट करें। स्टेप नंबर 3, आपने चावलों को पकाना है 75% तक। ये देखें, यखनी में उबाल आ चुका है। अब आप इसमें पहले से भिगोए हुए चावलों को शामिल करेंगे। मैंने चावलों को 30 मिनट्स पहले भिगो दिया था। और यहाँ पर मैं एक टिप दूंगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको पुलाव बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने पानी का लेवल चेक करना है। आपने इस तरह से स्पून को डालना है और चावलों तक लेकर जाना है, और देखना है कि पानी का लेवल चावल से 1 से 1.5 इंच तक ऊपर होना चाहिए। अगर कम है तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लेंगे। जिस तरह से मैंने अब 1 कप पानी, यखनी चूंकि 4 कप थी तो मैंने 1 कप पानी मजीद ऐड किया, और अब इसी पानी में यानी कि यखनी में इन चावलों को मैं फुल आंच पे कुक करूंगी, जब तक कि पूरा पानी ड्राई ना हो जाए। इस स्टेज पे आप आलू बुखारा ऐड कर देंगे। अब आप नमक चख लेंगे, अगर कम है तो आप ऐड कर सकते हैं। ये वो स्टेज है जहां पे आप नमक चखते हैं, बिल्कुल एंड पे। ये देखें, पानी जो है वो काफी ड्राई हो चुका है और इसी यखनी में ही ये चावल कुक हुए हैं। आंच अभी भी तेज है, आपने उसको कम नहीं करना है। स्टेप नंबर 4 यानी कि फाइनल स्टेप। ये देखें, पानी जो है वो ऑलमोस्ट पूरा ड्राई हो चुका है। अब आप इस पे हरी मिर्चें डाल देंगे, और साथ में ही जो दूध में जाफरान को भिगो के रखा था वो भी चला जाएगा। देखें कितना अच्छा कलर आया है, ये चला गया। इसके बाद 1 टीस्पून गरम मसाला, वो आप इस तरह से ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। और आखिर में ऑरेंज फूड कलर, इसको मैंने पानी में डिसॉल्व कर लिया था। ये हो जाने के बाद अब आप इसको टाइटली कवर करके 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। 15 मिनट के बाद ये देखिए, मज़ेदार गर्मा गर्म मटन ज़ाफ़रानी पुलाव तैयार है, और ज़ाफ़रान की खुशबू पूरे घर में आ रही है। चावलों को हमेशा नीचे से चेक किया जाता है, और ये देखें कितने खिले हुए और एक एक दाना अलग है। तो पुलाव हमारा तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिए, और बताएं कि कैसा बना, आपको कैसा लगा। और मुझे दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊंगी। अल्लाह हाफिज़।